मेरा नाम मोहम्मद अम्मार है। पाकिस्तान में जो बेसिकली अगर आपने सर्वाइव करना है ना, तो आप सिर्फ स्पोर्ट्स बेस पे सर्वाइव नहीं कर सकते। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं जो है ना अपनी फील्ड से हटके कोई दूसरा काम करूं। मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो पार्टिसिपेशन थी वो मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने उधार लेके वो पार्टिसिपेट किया था वो इवेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेडल लिया है। अस्सलाम वालेकुम, ये थे मोहम्मद अम्मार, 2008 से लेकर अब तक के करंट जुजित्सु नेशनल चैंपियन। आपको स्टार्ट में जो मैंने वीडियो दिखाई वो थी एक मार्शल आर्ट के हवाले से मोहम्मद अम्मार की वीडियो। आप सोच रहे होंगे कि मैं एक फालूदा शॉप के सामने खड़े होकर इसका इंट्रो क्यों दे रहा हूँ, तो कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। आपने कहीं जाना नहीं है और मेरे साथ रहना है। बिजनेस बिल्कुल एक अलग फील्ड है, स्पोर्ट्स बिल्कुल एक अलग फील्ड है। बिजनेस जो है वो बेसिकली आपसे 24 घंटे मांगता है, ऐसे ही स्पोर्ट्स है वो भी आपसे 24 घंटे मांगता है कि आपने 24 आवर आपकी कंसंट्रेशन जो है ना आपके इवेंट पे होती है, मेडल पे होती है, ट्रेनिंग पे होती है। आप सोच रहे होते हैं क्या मिस्टेक्स है, कहाँ पर मेरी मिस्टेक्स है, कहाँ पर मैं लैकिंग कर रहा हूँ। इसी तरह बिजनेस में भी है, लेकिन अब इन दोनों को चलाना है क्योंकि मैंने घर भी चलाना है, इसके बगैर घर नहीं चल सकता मेरा। अभी भी मैंने लास्ट मंथ जो है वो अपनी वर्ल्ड चैम्पियनशिप मिस की है सिर्फ स्पॉन्सर ना होने की वजह से, और ये मेरे लिए बड़ा मतलब सैड मोमेंट था कि मैं जो है ना स्पॉन्सर ना होने की वजह से वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, जबकि उससे एक महीने पहले मैं एशियन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आ रहा हूँ। मेरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 110% जो है ना मेरी वहाँ पे मेडल पोजीशन थी। हो सकता है मैं गोल्ड ले आता, हो सकता है मैं मतलब मेडल पोडियम पे खड़ा होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ, और उसकी सबसे मेन वजह थी कि मेरे पास स्पॉन्सर नहीं था। सुबह मॉर्निंग ट्रेनिंग होती है, मॉर्निंग ट्रेनिंग के बाद मैं आता हूँ, थोड़ी देर सोता हूँ, कुछ थोड़े बहुत काम शाम होते हैं वो करने के बाद फिर मैं शॉप खोलता हूँ। शॉप खोलने के बाद फिर मैं एक दो घंटे बाद जो है ना मैं ट्रेनिंग पे चले जाता हूँ। फिर मैं ट्रेनिंग से आता हूँ 9 बजे 10 बजे, फिर उसके बाद मैं शॉप पे बैठ जाता हूँ, फिर मैं रात को 2 बजे घर जाता हूँ, फिर मैं सोता हूँ, सुबह 6 बजे उठ के दोबारा से ट्रेनिंग पे चला जाता हूँ। मेरा तो गोल है कि ओलंपिक में मेरा इवेंट आए और मैंने जो है ना उसमें पार्टिसिपेट करना, उसमें जीत कर आना पाकिस्तान के लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर बिजनेस कर लिया तो मैंने स्पोर्ट्स से हार मान ली है, हार मैंने नहीं मानी है, मैं करता रहूँगा, पाकिस्तान को मेडल देता रहूँगा, और मैं उम्मीद रखूँगा कि हमारी जो है प्राइवेट कंपनीज, हमारी जो है लोग सपोर्ट करेंगे, स्पॉन्सर्स करेंगे, नए और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं उनको भी सपोर्ट करेंगे। ये मेरी मतलब होप्स हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो आपने सुना अम्मार को कि उनके क्या ख्यालात हैं, वो क्या चाहते हैं और क्या गोल्स हैं उनके लाइफ में आगे, कि वो आगे पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं। हमारी उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो को देखकर अरबाब अख्तियार और प्राइवेट सेक्टर ज़रूर कुछ ना कुछ कदम उठाएगा अम्मार के हवाले से, कि वो जो टैलेंट अम्मार के अंदर है वो हरगिज़ ज़ाया ना हो। जैसा कि उन्होंने बताया कि अगले आने वाले ओलंपिक्स के अंदर जुजित्सु जो है वो ओलंपिक्स में शामिल हो जाएगा, तो हमें उम्मीद है कि हम जो है वो अम्मार को इंशाल्लाह ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हुए देखेंगे और अम्मार पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आएगा। और यहाँ एक बात और बताता चलूँ कि हेल्दी ब्लेंड्स जो है वो बहुत अच्छे जूसेस, शेक्स और फालूदा आइसक्रीम बहुत अच्छी बनाता है, ये मौजूद है गुलजार हिजरी में। जब भी आप यहाँ आएँ तो अम्मार से लाजमी मिलें, अम्मार को अप्रिशिएट करें और उनके पास आकर आइसक्रीम जूसेस को टेस्ट करें, यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसको लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।